नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ई टाइम ट्रैकलाइट के जो है ESSL के एक सॉफ्टवेयर के बारे में कि कैसे आप मैनुअल पंच ऐड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मास्टर्स में जाना है और मास्टर्स में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है अटेंडेंस लॉग्स, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन में चले जाएंगे और जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आपको जो है वो एम्प्लॉयज़ को सर्च करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है ऐड मैनुअल पंच। तो ऐड मैनुअल पंच पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है सारे एम्प्लॉयज़ आपको दिखा देगा। उसमें से आपको जो एम्प्लॉयज़ जिसकी भी आपको मैनुअल पंचिंग आपको डालनी है तो वो मैनुअल आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। और जैसे हमने यहाँ पर 5 नंबर सेलेक्ट किया है और इसके बाद इसमें डायरेक्शन इन और आउट, यानी आने का या जाने का, और उसके बाद हम यहाँ पर जो है उसका जो टाइमिंग भी डालेंगे, टाइमिंग की मतलब ये किस डेट का हमें करना है। और उसके बाद हम यहाँ पर सबसे जो नीचे मेंशनड है, जब टाइमिंग हम प्रॉपर डाल देंगे उसके बाद हम यहाँ पर ऐड नीचे से ऐड पे क्लिक करेंगे। और ऐड पे क्लिक करने के बाद आपका जो है जैसे ही इसमें लिखा हुआ आएगा कि ऐड सक्सेसफुली, तो जब ऐड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया दैट मीन्स कि आपका टाइमिंग उसमें फीड हो गया है। तो पहले आप जैसे ही आपने यहाँ पर टाइमिंग डाला, यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, ओके किया और ये हमारा टाइमिंग इसमें फीड हो गया है। अब इसके बाद ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपको ये रिकैलकुलेट करना है, जरूर आपको एक बार कैलकुलेट करना है अटेंडेंस लेने के लिए। तो आप इसको यहाँ से क्लोज़ करेंगे और क्लोज़ करने के बाद आप फिर अगेन देखिए, अभी हम सॉफ्टवेयर को इसको क्लोज़ कर रहे हैं, इस पोर्शन को हमने क्लोज़ कर दिया, ओके प्रेस किया और यहाँ से हमने फिर इसको क्लोज़ करने के बाद हम ऑप्शन में जाएंगे रिपोर्ट्स में। तो रिपोर्ट्स में जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पर रीकैलकुलेट अटेंडेंस पहला ऑप्शन आता है, तो आप रीकैलकुलेट अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। और हम जैसे अगर आप डेली का देखना चाह रहे हैं डेली का देखेंगे और वहाँ पर सेलेक्ट करके आप उसको पर्टिकुलरली टाइमिंग देंगे और यहाँ पर कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। तो कैलकुलेट पे आपको क्लिक करना है, कैलकुलेट पे क्लिक करते ही वो उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस होने के बाद आपका जो है ये जैसे ही उसमें लिखा हुआ आएगा अटेंडेंस कैलकुलेटेड सक्सेसफुली, तो समझ लीजिए कि आपका ये प्रोसेस हो चुका है। और आप फिर उसको दोबारा आपको उसमें ऑप्शन में जाना पड़ेगा रिपोर्ट्स के ऑप्शन में। अभी देखिए ये अभी हमारा प्रोसेसिंग चल रहा है, हमने पर्टिकुलर एक दिन के लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं जो कि डेली अटेंडेंस रिपोर्ट में। अब ये देखिए सक्सेसफुल हो गया है हमारा अटेंडेंस कैलकुलेटेड सक्सेसफुली। इसके बाद हम फिर इसको क्लोज़ करेंगे, क्लोज़ करने के बाद हम अगेन उसमें जाएंगे ऑप्शंस के अंदर, किसमें अटेंडेंस रिपोर्ट्स में, और अटेंडेंस रिपोर्ट में हम जैसे ही क्लिक करेंगे फिर दोबारा हम वही डेली अटेंडेंस जैसे सेकंड ऑप्शन में जाएंगे डेली अटेंडेंस रिपोर्ट, वहां से हम जिस ऑप्शन को भी सेलेक्ट करना चाहें उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम जनरेट पे क्लिक करेंगे। तो जनरेट पे जैसे ही हम यहां पर नीचे ऑप्शन आता है जनरेट का, तो जनरेट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सिस्टम प्रोसेस करेगा और आपको जो है रिपोर्ट्स की फॉर्म में ये सारा सारा प्रेजेंट कर देगा। देखिए ये रिपोर्ट आ गई। अब अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे 5 नंबर इसमें आपको इसका डिटेल दिखा रहा है कि उसमें मैनुअल पंच लगा हुआ है। मैनुअल पंच मतलब मींस हमने इंफॉर्मेशन इसको मैनुअली दी है कि भाई हमारी अटेंडेंस लगा दी जाए। तो ये इसमें आप मेंशन भी कर सकते हैं कि भाई किस पर्पज से है। तो ये देखिए आपके पास जैसा कि स्क्रीन पे आ गया है कि ये आपके पास रिपोर्ट्स कंप्लीट तैयार हो गई, राइट साइड में मैनुअल पंच लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर मेंशन, जिससे कि आपको ये भी पता चलेगा कि ये ME जो है मैनुअल अटेंडेंस जो है यहाँ पर मेंशन हो जाता है। तो इससे इस तरीके से आप कोई भी मैनुअल अटेंडेंस लगा सकते हैं और ये आपकी रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसमें इन टाइम, आउट टाइम, फ्रॉम और टू डेट, किस डेट से किस डेट तक को आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर पॉसिबल हैं बहुत ही इजीली तरीके से। तो ये सारी इसमें डाली जा सकती हैं। अगर आपको ये जो प्रोसेस करना है तो आपको इसके ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको प्रोसेस जरूर करना है और इसमें चाहें तो आप कोई पर्टिकुलर शिफ्ट या जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप नॉर्मली रिपोर्ट्स निकालने में करते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस तरह के जो अमेजिंग वीडियोस के लिए या प्रॉब्लम्स के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या नीचे जो है कमेंट बॉक्स में अपने नंबर्स मेंशन करके आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।